हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 10 के 35 अति महत्वपूर्ण एकपदन प्रश्नों की स्टडी करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमने जो आपके 4 से 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे वहाँ से भी लिए हैं, और जो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है वहाँ से भी लिए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जो एक वाक्यन वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेल केसरी इति नामना का प्रसिद्धा। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। बुंदेल केसरी इति नामना का प्रसिद्धा, बुंदेल केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आंसर है हमारा छत्रसाल। उसके बाद, भारतीय समाज का सदैव पूज्य अस्ति, भारतीय समाज में सदैव पूज्य कौन है? तो नारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव किसके प्रिय शिष्य थे? आंसर है हमारा मार्कंडेय। पहला क्वेश्चन था बुंदेल केसरी इति नामना का प्रसिद्ध, आंसर है छत्रसाल। भारतीय समाज का सदैव पूज्य अस्ति, नारी। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, मार्कंडेय। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबसे अच्छा आभूषण क्या है? तो आंसर है हमारा बाघ भूषणम, यानी कि बाड़ी का आभूषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रियाणाम भारम बोड़ुम का निश्चिति, निकम्मों के भार को ढोना कौन नहीं चाहती? आंसर है कर्मभूमि। भारतीय एकता साधकम किम, भारतीय एकता का साधक क्या है? संस्कृतम। सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, बाघभूषणम। निष्क्रियणाम भारणम बोड़ुम का नेचति, कर्मभूमि। भारतीय एकता साधकम किम? संस्कृतम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आंसर है हमारा गुर्जर प्रदेश है। वर्षाकाले सिकिन किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में जो मोर होती है वो क्या करती है? नृत्यंती, यानी नाचती है। भारतस्य पुरातन सखा का विद्यते, भारत का प्राचीन मित्र कौन है? तो आंसर है हमारा हिमालय। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, गुर्जर प्रदेशे। वर्षाकाले सिकिन किम कुर्वन्ति, नृत्यंती। भारतस्य पुरातन सखा का विद्यते, हिमालय। सिद्धार्थस्य पुत्र का आसीत, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? आंसर है हमारा राहुल। प्रकृति दत्त वर का, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? आंसर है हमारा वृक्ष। पूर्वस्मिन काले विदिशा नगरस्य किम नाम आसीत, प्राचीन काल में विदिशा नगरी का क्या नाम था? तो आंसर है हमारा भैलसा। सिद्धार्थस्य पुत्र का आसीत राहुल, प्रकृति दत्त वर का वृक्षा, पूर्वस्मिन काले विदिशा नगर्या निम नाम किम आसीत? तो आंसर है हमारा भैलसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ग्रामे का वृक्षा आसीत, गाँव में कौन सा वृक्ष था? तो आंसर है हमारा ने ग्रोथ वृक्ष, यानी बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ था गांव में। उसके बाद पढ़तो किम नास्ती, पढ़ने वाले की क्या नहीं रहती है? आंसर है हमारा मूर्खत्वम, मूर्खता खत्म हो जाती है पढ़ने से। विदिशा नगरी कस्य नदा स्थिते वर्तते, विदिशा नगरी कौन सी नदी के किनारे है? आंसर है हमारा बेत्र बत्या, यानी कि बेतवा नदी के किनारे है। तो ग्रामे का वृक्षा आसीत, न्यगुरेत वृक्षा, पटतो किम नास्ती, मूर्खत्वम, विदिशा नगरी कस्या नदा स्थिते वर्तते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, सूर्यवंशस्य राजा का आसत, सूर्यवंश के राजा कौन थे? तो आंसर है हमारा सगर। कुलम का रक्षितो मिच्छति, कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी? आंसर है हमारा ब्राह्मणी। के मार्गा यासम परिहरंती इस्म, कौन रास्ते की थकान को दूर करते हैं? आंसर है हमारा पथिक। सूर्यवंशस्य राजा का आसीत सगर, कुलम का रक्षितो मिच्छति ब्राह्मणी, के मार्ग आसम परिहरंती इस्म पथिका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, घनोपगुणम किम, घने अंधकार से आच्छादित क्या है? आंसर हमारा गगनम। आकाश गंगाम शिव कुत्र निक्षिप्तवान, आकाश की गंगा को शिव ने कहाँ छुपाया? तो आंसर है हमारा जटासु, यानी जटाओं में। सर्वस्य जलस्य आधारा का, संपूर्ण जल का आधार क्या है? तो आंसर है हमारा समुद्र। छत्रसालस्य पितु नाम किम, छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? तो आंसर है हमारा श्री चंपत राय। घनोपगुणम किम गगनम, आकाश गंगाम शिव कुत्र निक्षिप्तवान,
जटासु, सर्वस्य जलस्य आधार का समुद्रा, छत्रसालस्य पितु नाम किम, श्री चंपत राय। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सुबाहु कस्य पुत्र आसीत। सुबाहु किसका पुत्र था? तो आंसर है हमारा शत्रुघ्नस्य, यानी कि शत्रुघ्न का। उसके बाद जना प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म, लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? आंसर है हमारा रामदेवम। का मृदंग नादम करोति, मृदंग की आवाज कौन करता है? आंसर है हमारा मेघ। तो सुबाहु कस्य पुत्र आसीत? शत्रुघ्नस्य। जना प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म, रामदेवम। का मृदंग नादम करोति? मेघा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमानस्य का, व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान कौन है? तो पाणिनि जी हैं। भूषण कस्य भाषाया महाकवि आसीत, भूषण जी कौन से भाषा के महाकवि थे? तो आंसर है हमारा हिंदी भाषा के। घटोत्कच कया आघप्त, घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? तो आंसर है हमारा जनन्या, उनकी माता जी ने। महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की? आंसर है हमारा आर्य समाजस्य। तो व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमानस्य का पाणिनि, भूषणा कस्य भाषाया महाकवि आसीत हिंदी भाषाया, घटोत्कच कया आगप्त जनन्या, महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान, तो आर्य समाजस्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का रूपम नास्यस्ति, कौन रूप को नष्ट कर देता है? आंसर है हमारा जरा, यानी कि बुढ़ापा। कस्मिन प्रवृत्ति तुम कदापि न खिद्यते, किस में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता है? तो आंसर है हमारा स्वयं कर्मणी, यानी होता है अपने कार्य में। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरुषात् का आसित, माना भक्षी कौन था? तो आंसर है हमारा घटोत्कच। तो का रूपम नास्यस्ति, आंसर है जरा। कस्मिन प्रवृत्ति तुम कदापि न खिद्यते, स्वकर्मणि, पुरुषात् का आसीत घटोत्कच। आगे बढ़ते हैं, पुरुषात् का आसीत पूछा गया हमसे, ये हमने पहले ही पढ़ दिया है कि मानव भक्ति कौन था? तो घटोत्कच है। अन्यासुम वस्तु नाम अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण का, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर है हमारा समय। रामदेव कस्मिन ग्रामे बस्ती इसम, रामदेव कौन से गांव में रहता था? तो आंसर है हमारा ये रामनाथपुरे होगा, ठीक है, रामनाथपुरे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।